हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग मेथड्स के ऊपर जो कि सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सॉइल स्टेबलाइजेशन पढ़ लिया, क्या प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन सी वेरियस टेक्निक्स होती हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब तो जान लिया। बट अब इसे करें कैसे, करना भी चलो जान लिया, बट अब कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं जो कि हमें मदद करेंगे सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो इस पे मैं सिर्फ चार टाइप यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि पहला होगा सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन, दूसरा सॉइल बिटुमिन स्टेबलाइजेशन, तीसरा सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन और लास्ट मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। अब जैसा कि इनको अगर हम पढ़ें और नाम से समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि हमें स्टेबलाइजेशन सॉइल का तो करना है। तो जब हमारे पास सॉइल सीमेंट शब्द आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं सॉइल में सीमेंट का कुछ ना कुछ लेना देना तो है। सॉइल में हमें सीमेंट ऐड करना होएगा, और सीमेंट जब एक बार हम ऐड करेंगे, और हमें पता है कि सीमेंट एक बाइंडिंग एजेंट है, सीमेंट जिस भी चीज़ से मिलेगा सीमेंट उसको स्ट्रांग बनाएगा, बट कितने प्रोपोर्शन में बनाना है, कितने प्रोपोर्शन में मिलाना है, कितना रेशियो रखना है वाटर का, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सॉइल को सीमेंट के साथ मिला के स्टेबलाइज करेंगे। अगर हम दूसरे की बात करें सॉइल बिटुमिन की, ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे पहले हम सॉइल को सीमेंट के साथ मिला रहे थे, बट यहाँ पे सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी उम्दा करने के लिए हम सॉइल को बिटुमिन के साथ मिलाने वाले हैं और उसके बाद स्टेबलाइजेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट सॉइल लाइम, लाइम बोलो या सीमेंट बोलो, लगभग लगभग बात एक ही है, बट हम लाइम को सीमेंट को अलग ही रखते हैं क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से होती है। बेस मटेरियल लाइम होता है सीमेंट का। यहाँ पे हम सॉइल को डायरेक्टली लाइम से ऐड ऑन करेंगे, मिक्सअप करेंगे और फिर स्टेबलाइज करेंगे। और मैकेनिकल के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेडेशन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हम किसी चीज़ के मिक्सिंग की बात नहीं करते हैं, जो भी हमारे पास वहाँ पे मटेरियल है उसके ग्रेडेशन की बात करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ इसके बारे में ओवरव्यू दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस को अलग अलग डिफाइन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।